महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के जानसापुरा स्थित पशुपतीश्वर महादेव 84 महादेवों में 64वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार पशुपाल नाम का एक धर्मात्मा एवं पशुपालक राजा था। एक बार वह समुद्र तट पर गया, वहां उसने 5 पुरुष और खुले बाल वाली एक स्त्री देखी। उन पुरुषों ने राजा को घेर लिया, राजा ने उन्हें पछाड़ दिया। तब 5 और पुरुष आ गए, उन्होंने राजा को बांध लिया। तब उस स्त्री ने साहस दिलाया, राजा ने उन सब पुरुषों को जीत लिया, वे उसके शरीर में प्रवेश कर गए। तब वहां नारद जी उपस्थित हुए, राजा ने उनसे पूछा, महामुनि आप बतलाइए कि ये पुरुष कौन थे और स्त्री कौन थी। वह स्त्री बुद्धि है और चंचल है, उसने पितामह द्वारा यज्ञ में न बुलाने पर शंकर को भी क्रुद्ध कर दिया था। शंकर ने यज्ञ भ्रष्ट कर वहां यज्ञ में आए देव और मुनियों को पशु बना दिया था। तब पशुपाल ने नारद जी से पूछा, महाराज उन देवता और मुनियों की पशु योनि से मुक्ति कैसे हुई। नारद जी ने कहा, तब पशु योनि प्राप्त देवता और मुनि ब्रह्मा जी को आगे कर शंकर जी के शरण में गए, उनकी स्तुति करने पर वे प्रसन्न हो गए। तब शिव जी ने उनसे कहा कि आप लोग मेरे साथ महाकानवल में चलो, मैं पशुपति नाम से लिंग रूप धारण करूंगा, आप उसका पूजन करें। देवताओं और मुनियों ने उस लिंग का पूजन किया, उसके प्रभाव से उनकी पशु योनि दूर हो गई। तब ब्रह्मा ने पशुपतीश्वर से निवेदन किया कि भगवान आपके दर्शन से भक्त के पशु योनि को प्राप्त पितरों का उद्धार हो जाएगा, पोष माह में आपका दर्शन करने से पाप दूर होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा अपने लोक को लौट गए। नारद जी ने राजा से कहा, यदि आप उत्तम गति चाहते हो तो उस लिंग की पूजा करो, वह इंद्रेश्वर के दक्षिण में स्थित है। राजा महाकाल वन में आया, उसने पशुपतीश्वर का दर्शन किया, इससे उसे परम गति की प्राप्ति हुई। पशुपतीश्वर के दर्शन से मनुष्य को परम गति की प्राप्ति होती है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।